नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे, ये लौकी है, इसका हम हलवा बनाएंगे। तो ये एक लौकी, इतनी बड़ी लौकी लेके हमने, और ये इसको लौकी को हमने कद्दूकस कर दिया है, और ये हमने एक प्याला शक्कर ली है, और ये शुद्ध घी है, और ये इलायची पाउडर है, ये इलायची पाउडर रखा है, और ये जो घी दूध है, हमने आधा किलो के करीब दूध लिया है जो कढ़ाई में रखा है गरम करने के लिए। अब ये गरम हो रहा है, और अब गरम हो गया है, अब इसमें हम ये लौकी डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर ढक के उबलने देंगे। अभी हमने इसको ढक के रखा है, तो अब बीच में इसमें हम हटाकर इसको देखेंगे। अभी इसको उबलने में, जब पूरा ये इसका जो दूध है इसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे। लौकी का हलवा बनाना बहुत आसान है, और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। 15-20 मिनट में ये हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। अब इसको हम वापस से ढक देते हैं। अब ये हमारी लौकी बिल्कुल अच्छे से पक गई है, और इसका दूध भी पूरा उसमें एब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसको उगाड़ के देखते हैं। अब ये हमारा ये दूध बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अभी थोड़ा सा और है, तो इसको अब हम बिना ढक्कन के, और तेज आंच कर ली हमने, गैस की फ्लेम हमने तेज कर ली है, और ये लौकी भी अच्छे से पक गई है। ये अच्छे से पक गई लौकी। अब ये इसको तेज आंच पे 5 मिनट के लिए फिर उबालेंगे, तो इसका दूध जो थोड़ा बहुत है ये पूरा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये हमारा दूध बिल्कुल अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो गया है लौकी में, और अब इसमें हम शक्कर डालेंगे। तो इसमें शक्कर कम डलती है, ज़्यादा मीठा जो खाना चाहे तो वो थोड़ी ज़्यादा डाल सकता है। हमने इसमें केवल 1 कप शक्कर डाली है। अब इसके गैस की फ्लेम को हम तेज कर देते हैं। अब ये जो शक्कर का पानी छोड़ेगा, तो शक्कर का पानी बिल्कुल टूट जाएगा। इसके बाद फिर हम इसमें घी डालेंगे, और बस हमारा ये हलवा तैयार है। अब गैस की फ्लेम हमने तेज कर दी है, और इसको लगातार चलाएंगे। अभी हमारा हलवा तैयार है। शक्कर ने पानी बिल्कुल खत्म हो गया है इसका, शक्कर का पानी। अब इसमें हम अंदाज से केवल 2 टेबल स्पून इसमें हम घी डाल रहे हैं, और बस थोड़ी देर हिलाने के बाद इसको बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद फिर हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, और आप चाहे तो इसमें खोया मावा भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन इसमें दूध बहुत ज़रूरी है। मावा नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन इसमें दूध डालना बहुत ज़रूरी है। दूध डालने से लौकी के हलवे का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें हम ये इलायची पाउडर डाल रहे हैं, और अब इसको गैस को हमने बंद कर दिया। अब ये हमारा लौकी का हलवा तैयार हो गया है। अब इसमें आप काजू, बादाम, किशमिश, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, और ये लौकी का हलवा खाने में भी अच्छा रहता है, पौष्टिक रहता है, और जल्दी बन जाता है। ये हमारा हलवा तैयार है, और इसमें हम बादाम डाल रहे हैं, और काजू भी आप डाल सकते हैं, पर अभी काजू नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं केवल बादाम डाल रही हूँ। अब यदि आपको मेरा ये लौकी के हलवे का वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और शेयर भी करें।